हेलो यूट्यूब, वेलकम टू द चैनल। आपका वेलकम है गाइस दोबारा से हमारे चैनल में, और होप गाइस आप सारे अच्छे होंगे। तो गाइस इस बार हम बात करेंगे हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन में जो मेन प्रोसेस रहते हैं मिक्सिंग एंड मास्टरिंग की। और गाइस कईयों ने ये भी पूछा है कि अगर हम म्यूजिक करते हैं तो क्या हमें मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करनी चाहिए। वैसे तो गाइस ये दोनों जो मेथड है मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के, टोटली डिफरेंट मेथड है ये, ठीक है। तो गाइज आप अगर म्यूजिक करते हैं तो आप मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है गाइज कि आपका उस चीज में एक्सपीरियंस कितना है। और ये गाइज एक तरह से प्रैक्टिस ही है मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। आप जैसे एक डॉक्टर जो है अपनी पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उन्हें डिग्री मिलती है और वो डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये भी गाइज एक तरह से आर्ट है ना मिक्सिंग एंड मास्टरिंग की, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस। तो मिक्सिंग मास्टरिंग में गाइस प्रैक्टिस होना आपकी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस चाहे वो आपकी सॉफ्टवेयर की है, आपकी ईयर ट्रेनिंग की है ना। तो और कईयों की काफ़ी ये दिक्कत भी है, और कई ये ऐसा सोचते हैं, ये थिंकिंग है कईयों की कि वो गाना तो बना लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि हम अब मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर को भेज देंगे। और वो क्वालिटी वाइज, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गाइस, कि क्वालिटी हमारी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में निकलेगी, तो ये थिंकिंग गाइज गलत है। जो क्वालिटी है वो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में नहीं निकलनी, वो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में हो सकता है अगर आपका ट्रैक, अगर आपका ऑल ओवर ट्रैक जो आप मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए भेज रहे हैं वो 80% है, तो मे बी वो हो सकता है गाइज मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में इंजीनियर उसको 100% कर ले। लेकिन जो मेन इसमें गाइज आपकी क्वालिटी है प्रोडक्शन की, आपकी जो अरेंजमेंट है और आपकी जो प्रोग्रामिंग है, उसकी क्वालिटी ही गाइज आगे चल के जो है आप मिक्सिंग एंड मास्टरिंग की क्वालिटी को बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो गाइज मैं, आप ये मत समझना कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए गाइज, अगर मैं आपके लिए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। मैं आपको कोई किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, या ये बात नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मेरे को नॉलेज है मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं उतना बता दूंगा और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो मेन जो मोटिव है गाइज, हमारा जो मेन फोकस है वो हमें अपनी प्रोडक्शन में रखना है, हमारे प्रोग्रामिंग और अरेंजमेंट में रखना है। इसमें आप कैसे फोकस रख सकते हैं, मान लीजिए आप अच्छी क्वालिटी के सैंपल यूज करें, आप अच्छे प्लगइन यूज करें, है ना, ठीक है गाइज। तो बाकी हम देखेंगे भी, अभी तो ये मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के ट्यूटोरियल में शुरू कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि हम फिर प्रोडक्शन के भी शुरू करें, है ना। तो मेन गाइज हमारा फोकस रहना चाहिए प्रोग्रामिंग और जो हमारी अरेंजमेंट है गाइज, वही हमारे ट्रैक के पिलर्स हैं। जैसे हमारी बिल्डिंग जो पिलर्स पे खड़ी रहती है ना, अगर थोड़ा सा अर्थक्वेक वगैरह या कुछ भूकंप वगैरह आ जाए तो उसको जल्दी नुकसान पहुंच जाता है। तो इसलिए जो हमारे पिलर्स हैं वो स्ट्रांग रहने चाहिए क्वालिटी वाइज। तो मैं क्वालिटी वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो आइए गाइज, तो हम वैसे थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं मिक्सिंग एंड मास्टरिंग की, है ना, कि मिक्सिंग मास्टरिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो गाइज मिक्सिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी ट्रैक हैं, मान लीजिए हमारे 15 से 20 ट्रैक हैं हमारे एक प्रोजेक्ट में, तो वो हमने फोकस में लेके चलना है। वो ऑल ओवर जब हम उन्हें सुनते हैं वो कैसे साउंड करते हैं, या उनका बैलेंस भी आप कह सकते हैं, है ना। तो इसमें साथ के साथ और भी चीजें आ जाती हैं, तो उनका लेवल हो गया, है ना गाइज। और उसके बाद आ जाती है गाइज उनकी बसिंग और रूटिंग, हम कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे कुछ एक बीट पोर्शन हो गया और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट पोर्शन हो गया। हमारे बीट पोर्शन में तो है 10 ट्रैक और हमारे इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में है 5 ट्रैक, और वो जो अलग अलग ट्रैक हैं गाइज उन्हें हम बस करेंगे इकट्ठे, वो बसिंग हो गई। बसिंग का ये पर्पस हो गया, जब वो बस हो जाएंगे तो वो एक ही ट्रैक से, एक ही फेडर से या एक ही मिक्सर ट्रैक से हम उन्हें लेवल कर सकते हैं या अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। बसिंग और राउटिंग होगी, तो हर एक ट्रैक पे गाइज उसके हिसाब से काम होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए उसे EQ की जरूरत है तो हम उसे थोड़ा सा EQ करेंगे, अगर उसे कंप्रेशन की जरूरत है तो उसे हम कंप्रेस करेंगे, या और भी इफेक्ट्स हैं तो हम उसे उस हिसाब से वो प्रोवाइड करेंगे। और हमारे सेशन में या हमारे प्रोजेक्ट में वो कैसा साउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं गाइज हम मिक्सिंग में। और अब हम बात करते हैं हमारी कि मास्टरिंग क्या है, और इसमें क्या है गाइज मास्टरिंग में क्या है। मास्टरिंग में होता है टोनल बैलेंस, तो टोनल बैलेंस गाइज हमारे EQ के हिसाब से सेट होता है। जो प्रॉब्लम देती है गाइज हमारे मिक्स में फ्रीक्वेंसीज, उनकी बैलेंसिंग होती है EQ वाइज, है ना। और उसके बाद गाइज तो एक्साइटिंग या सैचुरेशन होती है, ठीक है। मल्टी बैंड कंप्रेशन भी यूज हो सकता है मास्टरिंग पे,
उसके बाद कुछ इमेजिंग होती है गाइज, उसमें जो है स्टीरियो बैलेंस चेक होता है और बाकी ये चीजें गाइज मास्टरिंग में होती है। ठीक है, तो होप गाइज आपको समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे गाइज, हमारा एक प्रोजेक्ट होगा और उसे ऑडिशन करेंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे और मिक्सिंग के लिए जो है हम उसे रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊंगा गाइज, ये मैं छोटे छोटे ही बनाऊंगा ताकि आपको गाइज समझने में आसानी हो, है ना। तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। तो आप कमेंट करिए गाइज और आप शेयर करिए और लाइक करिए हमारे वीडियोस को। ऐसे ही गाइज हमें सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और मिलेंगे गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।